चना, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, मटर व राजमा भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलें हैं। इन फसलों में अनेक प्रकार के मृदा जनित बीमारियों का प्रकोप होता है, जो फसल की बुआई के पश्चात बीजों व पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। जमाव के बाद पौध अवस्था में भी कई प्रकार के रोग एवं कीट अनुकूल वातावरण मिलने पर दलहनी फसलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिससे खेतों में पौधों की संख्या में कमी आती है और उत्पादन प्रभावित होता है। बीजों के अच्छे अंकुरण तथा खेतों में स्वस्थ पौधों की पर्याप्त संख्या हेतु बीजों को बुआई से पहले विभिन्न रसायनों एवं जैव नियंत्रकों द्वारा शोधित करने की सलाह दी जाती है। इन रसायनों व जैविक नियंत्रकों से बीजोपचार से फसल को सही लाभ देने के लिए ये आवश्यक है कि इनका प्रयोग सही क्रम में और सही समय अंतराल से किया जाए। बीजोपचार के सभी घटकों के प्रयोग के सही क्रम को हम FIB के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ F से फंजिसाइड यानी कवकनाशी, I से इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी और B से बायो इनोक्यूलेंस यानी जैव नियंत्रक व वृद्धि उत्पाद हैं। दलहनी फसलों की बुआई से पहले बीजों का उपचार सर्वप्रथम कवकनाशी रसायनों से करना चाहिए। इनमें लगने वाले महत्वपूर्ण रोगों जैसे उकठा, जड़ गलन, मूल विगलन एवं अन्य बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बुआई से पूर्व बीजों को कार्बोक्सिन 1 ग्राम तथा थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। दलहनी फसलों में लगने वाले विभिन्न रस चूसक कीटों जैसे एफिड, थ्रिप्स, जेसिड एवं सफेद मक्खी आदि के प्रभावी प्रबंधन के लिए बीजों को संस्तुत कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु जैसे ट्राइकोडर्मा एवं राइजोबियम इत्यादि को जैव नियंत्रक के रूप में बीजोपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैव नियंत्रक उत्पाद पौधों में रोगों एवं कीटों के प्रबंधन के साथ साथ पौधे की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। कवकनाशी एवं कीटनाशी रसायनों से बीजोपचार के लिए सर्वप्रथम बीजों को प्लास्टिक या लोहे के बड़े बर्तन में फैला देते हैं, फिर उसके ऊपर कवकनाशी या कीटनाशी रसायन की समुचित मात्रा छिड़ककर अच्छी तरह मिला लेते हैं। बुआई करने से पहले उपचारित बीज को छाया में सुखा लेना चाहिए। एक साथ कई दवाओं से बीजोपचार नहीं करना चाहिए। बीजोपचार के 24 घंटों के अंदर बुआई करने की सलाह दी जाती है। अन्य आसान तरीके से किसी बड़े थैले में बीज एवं रसायन की निर्धारित मात्रा को एक साथ रखकर थैले को अच्छी तरह हिलाकर भी बीजों को उपचारित किया जा सकता है। जैव नियंत्रक बीजोपचार के लिए सर्वप्रथम ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास या बैसिलस के फॉर्मुलेशन अर्थात पाउडर की 4 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा बीज की दर से मिलाते हैं। इसके बाद 250 ग्राम गुड़ या शीरा के घोल को गर्म करके तथा फिर से ठंडा कर बीज में मिलाते हैं। इन उपचारित बीजों को छाया में सुखा लेते हैं। बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने हेतु 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करना चाहिए और उपचारित बीजों को 8 से 10 घंटे तक छाया में फैलाकर सुखाना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के 2 से 3 दिन पहले कवकनाशी एवं कीटनाशी से बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। बीजोपचार जो है दलहनी फसलों में उसका एक बहुत महत्व है। यदि एक सही बीजोपचार किसान भाई करें तो इससे दलहनी फसलों का उपज काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। कानपुर में स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किसानों के लिए
बीजोपचार तकनीक से संबंधित दक्षता परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन कर दलहन उत्पादकों को बीजोपचार द्वारा स्वस्थ फसल के साथ अधिक लाभ अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है।